बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइट सा क्रैविंग क्रैविंग सी फील हो रही थी, तो क्यों ना हम थोड़े से जल्दी से क्विकली चिकन स्ट्रिप्स बना लें, जो कि बनके बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। उसके लिए मैंने लिए 3 अदद चेस्ट पीस चिकन के, जो कि तकरीबन 500 ग्राम के करीब बनते हैं, और इसे मैंने इस तरह स्ट्रिप्स फॉर्म में काट लिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मैदा, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी मायोनीस, 2 टीस्पून इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट और 2 टीस्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पाउडर। चाइनीज सॉल्ट की जगह आप चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने चाइनीज सॉल्ट डाल दिया, लेकिन यकीन करें इसका टेस्ट ऐसा बना था कि चिकन पाउडर से भी क्या बनेगा, चाहे तो इस तरीके से भी ट्राई करके देखिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम, अच्छे से रख जाए, और इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, मिनिमम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे ब्रेड इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पे जो हमने ऑयल हीट किया है उसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से पकाएंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी चिकन गल चुकी है, तो बस इसे डिश आउट करेंगे। अब यकीन करें ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपके घर कोई मेहमान आए, क्विकली जल्दी से बना के सर्व करें, बेशक आप चाहें तो बना के इसे रख सकते हैं। जब भी आपके घर कोई मेहमान आए, फिर इसे निकालें, फ्राई करें और सर्व करें और छा जाएं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।